हेलो दोस्तों, मैं संदीप, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही बड़ी न्यूज है। ठीक है, जो आपको पता है कि कोरोना के बाद जो ब्लैक फंगस दोस्तों बहुत ही खतरनाक चीज़ है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, इसमें कुछ लोग मानते हैं कि जो देखिए हमारे यहाँ जो कोरोना वायरस आया दोस्तों, दूसरी वेव आई, उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। क्या ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत थी? वेंटिलेटर पर दोस्तों ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ी। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन था, जो कारखानों का ऑक्सीजन था, उसको भी पहुँचाया गया कहाँ पर? अस्पतालों में। तो दोस्तों, ये एक सवाल उठता है कि क्या जो ये ब्लैक फंगस हो रहा है दोस्तों, कहीं इसकी वजह जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से जो ऑक्सीजन आया दोस्तों, वो तो नहीं है? इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो भी हम आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने का कारण, मेडिकल एक्सपर्ट ने बताई वजह। तो चलिए देखते हैं ये न्यूज को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका न्यूज। देखिए, कोविड-19 की पहली लहर में शुगर के काफी मरीज इसकी चपेट में आ गए, वे काफी समय तक आईसीयू में भर्ती रहे। इस दौरान इनको एस्टेरॉयड की भी डोज दी गई, लेकिन उस समय तक ब्लैक फंगस नहीं था दोस्तों। आपको पता है एस्टेरॉयड से क्या होता है, थोड़ा सा क्षमता कम हो जाती है दोस्तों। तो उससे क्या हुआ, तब तक तो आपके इन लोगों को ब्लैक फंगस नहीं था। अब अचानक कैसे हुआ, तो आपको चलिए बताते हैं। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब लोगों को ब्लैक फंगस का डर सताने लगा है। देश भर में ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महामारी घोषित कर दी गई दोस्तों। को पता है कि कई कई राज्यों में महामारी घोषित कर दिया गया। शुरुआती दौर में ब्लैक फंगस की मुख्य वजह स्टेरॉइड बताई जा रही थी, लेकिन कुछ विशेषज्ञ इस बीमारी की कुछ और ही वजह बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, तो आपको बता दें कि देखिए, दरअसल कोविड-19 से पहले लहर में शुगर के काफी मरीज जिसके चपेट में आए थे, वे काफी समय तक आईसीयू में भर्ती थे। इस दौरान उनको स्टेरॉइड की भी डोज दी गई थी, लेकिन उस समय तक उनमें ब्लैक फंगस नहीं था दोस्तों। ठीक है, उनमें क्या था, ब्लैक फंगस नहीं था। देखिए, मेन जो रीजन है उस पर हम बात करने वाले हैं कि क्या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से भी हो सकता है इसका कारण। तो बता दें आपको कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच एम्स के डॉक्टर प्रोफेसर उमा कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा है कि कोरोना मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन की जगह इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दिए जाने की वजह से मामले बढ़ रहे हैं दोस्तों। समझिएगा क्या है, समझिएगा। उन्होंने कहा कि ह्यूमिडिफायर में स्टे रॉयल वाटर की जगह गंदे पानी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आपको पता है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया में वो क्या करते हैं, गंदे पानी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। उसके अलावा देखिए, जो सिलेंडर है दोस्तों, सिलेंडर कमी थी। देखिए, इसकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि सिलेंडरों की कमी की वजह भी है, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ने बेशक जान तो बचा ली मरीजों की, लेकिन इसके साथ ही मरीजों की नाक में पहुंचा जो प्रदूषण है दोस्तों, ब्लैक फंगस की वजह बन रहा। आपको पता है कि मान लिया कोई सिलेंडर था नाइट्रोजन का, ठीक, नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर था दोस्तों। अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ गई, तो क्या किया गया, नाक जो आपका नाइट्रोजन सिलेंडर था दोस्तों, उसमें ही ऑक्सीजन भर के सप्लाई करने लगे। मगर दोस्तों, ऑक्सीजन जो आपका ये ऑक्सीजन भर के नाइट्रोजन सिलेंडर में सप्लाई करने लगे, मगर जो ये नाइट्रोजन सिलेंडर था उसको साफ नहीं किया पूरे सही ढंग से दोस्तों। तो ये भी वजह बताई जा रही है। तो वही देख लीजिएगा कि ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन सिलेंडर को पूरी तरह साफ किए बिना ऑक्सीजन भरकर अस्पतालों में भेजनी पड़ी। सिलेंडरों की सफाई ठीक से ना होना भी ब्लैक फंगस का कारण बन सकता है। ठीक है, अब देखिए, मेडिकल ऑक्सीजन इतने प्रतिशत तक शुद्ध होनी चाहिए दोस्तों। देखिए, बता दें कि इंडस्ट्री में प्रयोग किए जाने वाले सिलेंडर की सफाई जरूरी नहीं है, लेकिन इसे अस्पतालों में भेजने से पहले पूरी तरह कीटाणु रहित नहीं किया जा सका। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं सफाई की जाए, मगर पूरी तरह से कीटाणु रहित करना जरूरी है। पुराने एवं गोडाउनों में रखे गए सिलेंडरों को तत्काल ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया गया था। साथ ही इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की शुद्धता 85 से 90% होती है, जिसकी आपूर्ति अस्पतालों में करनी पड़ी, जबकि जो मेडिकल वाला ऑक्सीजन होता है वो 95% तक शुद्ध होना चाहिए। मतलब ये 85 से 90 तो भैया जान तो बच गई, मगर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ब्लैक फंगस की वजह ये भी है दोस्तों। ठीक है, क्या है, ये भी बन रहा है ब्लैक फंगस की वजह।
देखिए विशेषज्ञों का कहना है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की पाइपलाइन पर ह्यूमिडिफायर में फंगस जमा होने के कारण कंटेनर में साधारण पानी का प्रयोग करने से बीमारी बढ़ी है दोस्तों। तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं इसको भी ठहराया जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया से सिलेंडर आया उनकी सफाई सही से नहीं हुई दोस्तों, उसकी वजह से भी ब्लैक फंगस के जो चीज़ें हैं वो बढ़ रही दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों चलिए, अगर वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।